तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में, पर उससे पहले देखें, कोरोना वायरस इसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया है। 15 करोड़ लगभग लोग कोरोना के चपेट में आ रखे हैं, जिसमें से 3 लाख लोग मर चुके हैं, और जो बच्चे हैं रिकवर, वो अच्छी बात है कि रिकवर भी हो रही है। पर ये वायरस जिसने फैलाया था, ये देखो, एक मिनट, ये आपको दिखाता हूँ मैं डाटा, एक्टिव केसेस का और क्लोज्ड केसेस का। क्लोज्ड में ये डेथ वाले आ रखे और रिकवर्ड वाले आ रखे, एक्टिव में क्रिटिकल और जो अभी माइल्ड सिम्टम के साथ है वो आ रखे हैं। अब कोरोना, मेरा आपको पता है कि इंडिया दूसरे नंबर पहुँच चुका है यूएसए के बाद। ये देखो, इंडिया दूसरे नंबर पर है यूएसए के बाद। इंडिया में पिछले साल करूँगा, पिछले 24 घंटे में 4 लाख प्लस केस आ रखे हैं। पर जिसने ये क्या नाम है शुरू किया था, चाइना, वो तो 90 के आसपास पहुँच चुका। पता नहीं कैसे, क्या ही सीन है चाइना का। तो ये रहा कोरोना वायरस, इसे छोटे से ने दिखता भी नहीं आपको अपनी आंखों से, इस चुटंगे से वायरस ने पूरी दुनिया में ये लगा लो बर्बादी का वो माहौल बना के रख दिया। सही बता रहा हूँ मैं। अब इसकी नई इमेज आई है, ये देखो, बदलता रहता है ये इसकी नई इमेज है कोरोना वायरस की। ये जो आपको दिख रहा है ना, धुंधला धुंधला सा, क्या अजीब अजीब सा, ये है इसकी स्पाइक्स, जहाँ से ये आपके लंग्स के अंदर एंट्री करता है। और इसको रोकने के लिए हमारे भारत में दो ड्रग्स अभी दी जा रही है वैक्सीन वैक्सीन एक तो कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। ये दोनों की दोनों भारत में बन रही है, भारत में प्रोड्यूस हो रही है और भारत के लोगों को लग रही है। तो दोनों की बात बात करते हैं कि बहुत लोगों में वहम है कि कौन सी बढ़िया है, कौन सी लगवानी चाहिए, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे हम दोनों। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो कोविशील्ड है वो बनाता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और जो कोवैक्सीन है उसे बनाता है भारत बायोटेक। ये पूरी इंडिया की वैक्सीन है कोवैक्सीन। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाया गया था, एक्स्ट्राजेनिका के साथ। तो कोवैक्सीन जो है, पर वो पूरी भारत की इंडिजिनस ही बिल्ट है। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन सी बढ़िया। पर इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक वैक्सीन और अभी चर्चा में है, उसका नाम है स्पुतनिक वी। ये वैक्सीन है रशिया की वैक्सीन है, ये भी भारत में आ चुकी है। अभी मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में भी कि क्या है ये वैक्सीन, और हमें लगेगी या नहीं लगेगी, कैसे क्या है। तो उससे पहले बात करते हैं अपने इंडियन वैक्सीन के बारे में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है पूरी मेड इन इंडिया है। कोविशील्ड है जो, उसको लंदन के ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाया गया है। तो चलिए बात करते हैं कोविशील्ड। अब कोविशील्ड में क्या आता है, आपको एडिनो एसिस जब जो चिंपांजी में होता है वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और उसके बाद एक और होता है ZX1, वो भी आपकी बॉडी में डाला जाता है। और कोवैक्सीन में जो है, वो जो डेड कोरोना वायरस है वो आपकी बॉडी में डाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। डेड कोरोना वायरस क्या होता है कि कोरोना वायरस को कमज़ोर कर रखा है हमारे साइंटिस्ट ने, वो आपकी बॉडी में डाला जाता है ताकि आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना सके उस वायरस के खिलाफ। तो इंडिया वैक्सीन है, उसमें आपको बता ही दिया मैंने कि डेड कोरोना वायरस डाला जाता है। अब इसमें क्या रहता है कि ज़्यादा कारगर कौन सी है? देखिए दोस्तों, दोनों ही सेम है, कोविशील्ड ले लो या कोवैक्सीन ले लो, दोनों ही सेम काम करती है, दोनों ही आपको वायरस से बचाती है। ये कहीं नहीं कहा गया कि आपको वायरस कोरोना वायरस नहीं होगा, होगा भी तो आपको बहुत ही माइल्ड सिम्टम आके, जैसे खांसी जुकाम बुखार आके आप ठीक हो जाओगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे जो नॉन वैक्सीन नेटेड पर्सन है उनको दिक्कत होती है। हाँ, तो ये है, दोनों कारगर है, दोनों अपनी जगह ठीक है, आपको जो मिल जाए वो लगवा लो। ये नहीं है कि ये लगवानी है वो लगवानी है, दोनों सही है वो लगवा लो, दोनों सही है, कोई भी मिले लगवा लो। अब इसके बाद देखते हैं इनका टाइम पीरियड। जैसे कोवैक्सीन में आपको देखना है 28 से 42 दिन, यानी 4 से 6 हफ्ते बोला गया होगा, और कोविशील्ड में आपको बोला गया होगा 6 से 8 हफ्ते, यानी 42 से 56 दिन। इसको आइडियल टाइम कहते हैं, मतलब वैक्सीन इतने दिनों में लगवाओगे तो ज़्यादा इफेक्ट करेगी। इससे पहले लगवा लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इफेक्ट तो तब भी करेगी, पर इससे इस टाइम के दौरान लगवाओगे तो ज़्यादा वैक्सीन आपको फ़ायदा देगी। और वैक्सीन लगने के 2 हफ्ते बाद आपकी बॉडी में मैक्सिमम इम्यूनिटी आती है, ठीक है? 2 हफ्ते बाद मैक्सिमम इम्यूनिटी आती है, उसमें चाहे आप कोवैक्सीन ले लो या कोविशील्ड ले लो। वैक्सीन सेकेंड डोज लगने के 2 हफ्ते बाद, सेकेंड डोज लगने के 2 हफ्ते बाद आपको मैक्सिमम इम्यूनिटी रीच होती है। तो अभी बात करते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है पूरी, इसके बारे में अभी कुछ हाल ही में रिसर्च हुई है, और वो की किसने, डॉक्टर फोक्सी ने। अब डॉक्टर फाउची ने बोला है कि जो कोवैक्सीन है मेड इन इंडिया की, वो 617 वेरियंट है जो कोरोना वायरस के, उस पर भी असरदार है। ये देखो, मैं न्यूज़ में दिखा रहा हूँ आपको, कोई भी वो नहीं दिखा रहा गलत इन्फॉर्मेशन। अब आप बोलोगे डॉक्टर फाउची है कौन, मैं दिखाता हूँ कि कह रहेगी 617 वेरियंट के बाद होती है, दुनिया ने बोला, मतलब उन्होंने बोला और दुनिया ने इनको उठा लिया कि कोई। तो मैं दिखाता हूँ आपको डॉक्टर फाउची, ये डॉक्टर फाउची ये है, चीफ मेडिकल एडवाइज़र है ये प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए के,
इन्होंने बोला है कि जो इंडिया की कोवैक्सीन है ये 617 वेरिएंट पर कारगर है। तो अब बात करते हैं स्पुतनिक वी के बारे में, जो रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक वी। अब इसके बारे में भी जो है आपको पता ही होगा कि इंडिया की जो लेबोरेटरी है डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये इसके साथ और इसके अलावा 5 कंपनी के साथ और इसका वो हुआ है कोलेबोरेशन, वो मिलकर इन्हें बनाएगी। और वो 5 कंपनी आपको जैसे पता ही है, ये मैंने नाम लिख दिया, ग्लैंड फार्मा, हेट्रोबायो फार्मा, विरचाओ बायोटेक, एनएनसिया बायोटेक एंड स्टेलेस बायो फार्मा। इस पर क्या है वैक्सीन में स्पुतनिक वी में, कि आपको जैसे आपको पता है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में तो दोनों एक ही डोज लगेगी, मतलब पहली भी डोज उसी वैक्सीन की, दूसरी भी उसी वैक्सीन की, पर इसमें ऐसा नहीं है और इसमें दिन भी कम है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको पहली डोज तो लगेगी किसी और की, मतलब वैक्सीन की, और दूसरी डोज लगेगी किसी और की, और इसमें गैप भी रखा गया है सिर्फ और सिर्फ 21 दिन का। 21 दिन के अंदर आप दूसरी ले सकते हो। इसमें क्या हुआ, उसमें 42 दिन था, उसमें 42 से 56 दिन था, इसमें क्या हुआ आपके दिन कम हो गए हैं। ये 21 दिन में उतनी आपको इम्यूनिटी दे देगी जितनी वो 42 दिन में और 56 दिन के अंतराल में देती है, 28 से 42, 42 से 56 के दिन में, ठीक है। तो अब बात ये आती है वैक्सीन के कि स्टोर कैसे करेंगे स्पुतनिक वी को। तो स्टोर देखिए, इसका जो लिक्विड फॉर्म है उसको स्टोर करना पड़ेगा -18 डिग्री सेल्सियस में, पर जो इसकी ड्राइड फॉर्म है उसको 2 से 8 यानी नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में भी आप उसको आसानी से स्टोर कर सकते हो। तो स्टोर करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको स्पुतनिक वी को। अभी बाकी भी वैक्सीन है जैसे फाइजर हो गई, मॉडर्ना हो गई, ये तो अमेरिका की वैक्सीन है। नोवावैक्स जो है ये WHO देगा गरीब देशों को, और एक और है जैसे कि एस्ट्राजेनिका, ये हमारी कोविशील्ड ही है, जॉनसन एंड जॉनसन, ये भी अमेरिकन वैक्सीन है। आपको पता भी होगा कि जो बाइडन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उन्होंने इंडियन कंपनी इंडियन को बोला था कि इंडियन कंपनी को वो फंड करेंगे जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन इंडिया में बनाने के लिए। तो देखते हैं वो कब तक होता है। बाकी फिलहाल तो दोस्तों आपको पता तो लग ही गया होगा कि वैक्सीन में कुछ नहीं फ़र्क है, आपको जो वैक्सीन लगवानी है आप वो लगवा लिया जो सी अवेलेबल होती है, बस फ़र्क रहता है आपके टाइम का। अब बात आती है कि आपको वैक्सीन कब नहीं लगवानी चाहिए। अगर आपको कोई एलर्जी है वैक्सीन से तो आप अपने पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। पहले था कि प्रेग्नेंट वूमेन नहीं लगवा सकती, पर अब शायद बोला गया कि प्रेग्नेंट वूमेन से भी लगवा सकती है वैक्सीन को। और अगर आप अभी कोविड रिकवर हुए हो, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हुए, तो आपको भी अभी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ है। तो ये कोवैक्सीन जो है वो बताया था मैंने, शायद प्रेग्नेंट वुमेन भी इसे लगवा सकती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाओ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।